this. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में स्वस्थ गांव खुशहाल भारत। और आज मैं आपके लिए लेकर आई एक ऐसी बीमारी का इलाज जो कहने को तो बहुत आम है और आमतौर पर हर किसी को हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसिडिटी की। एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर इंसान को होती है और कई लोग इसके चलते काफ़ी परेशान भी रहते हैं। इसका मुख्य कारण है अनियमित भोजन, तला हुआ खाना या मसालेदार खाने का अधिक सेवन। लेकिन अक्सर गाँवों में ऐसी छोटी मोटी बीमारियों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और इनका इलाज कराना ज़रूरी नहीं समझते। मगर अगर डॉक्टर्स की माने तो एसिडिटी या गैस जिन लोगों को बनती है उनको ब्लड प्रेशर या शुगर होने का खतरा भी बना रहता है और ऐसे में दवाइयों से ज़्यादा घरेलू उपचार अधिक फायदेमंद होते हैं। एसिडिटी यानी पेट में गैस बनना एक आम समस्या है। इसके कारण पेट में दर्द, जलन, गैस बनना, डकारे आना, छाती में जलन, खाने के बाद पेट भारी लगना, खाना पचने में समस्या, भूख कम लगना, पेट भारी रहना और पेट ना साफ होने जैसी समस्याएं होती हैं। इसके उपचार के लिए आप एक चम्मच अजवाइन को चबाकर खाएं और उसके बाद एक कप गर्म पानी पिएं। इससे एसिडिटी में तुरंत आराम आता है। हालांकि पेट में गैस होने पर आप अजवाइन और एक चुटकी काला नमक लेने से गैस बनने पर बहुत जल्दी आराम मिलता है। स्वस्थ गाँव खुशहाल भारत में आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे ऐसी कई और बीमारियों के इलाज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।